बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं जोडियाक साइंस में, ज्योतिष विद्या में, नक्षत्र, प्लैनेटरी सिस्टम्स और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, राइट? लेकिन कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैं इन चीजों में विश्वास क्यों नहीं करती। तो मैं अपने लिए कहूंगी, बाकी जिसको जो भाई भाई, मैं किसी का न्याय करने नहीं बैठी हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं मानती हूँ, मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी है और उनमें ही हमारा पूरा विश्वास डालना है। और ये परमेश्वर कौन है जिसने पूरे सृष्टि को रचा है, वही नक्षत्र, वही सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स को बनाया है, वो कॉन्स्टोलेशंस जिनको हम देख कर चकाचौंध हो जाते हैं। जैसे कि ये वीडियो देखिए, ये हम हैं जो एक शहर में रहते, जो एक स्टेट में हैं, जो एक देश में हैं, जो एक कॉन्टिनेंट में हैं, जो एक भूगोल में हैं जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, जो कि एक गैलेक्सी में हैं जिसमें करोड़ों सितारे हैं, जो एक कॉन्स्टोलेशन में हैं, जो कॉन्स्टोलेशन एक छोटा सा डॉट है बहुत सारे क्लस्टर्स में, और ऐसे कई कॉन्स्टोलेशंस, करोड़ों अब जो कॉन्स्टोलेशंस हैं ब्रह्मांड में, और पता नहीं कितने और ब्रह्मांड हैं। अब सोचिए, इसको बनाने वाले परमेश्वर में जब मैं अपना विश्वास डालती हूँ तो मैं अपना पूरा अधिकार उन्हें देती हूँ मेरे जीवन को चलाने के लिए। वरना क्या होगा, जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है वो तो बेजान है, लेकिन उनके पीछे जो पावर्स काम कर रहे हैं उनके हाथों में मैं अपना अधिकार दे दूंगी अपने जीवन का। तो कभी वो मुझे दाएं लेकर जाएंगे, कभी बाएं लेकर जाएंगे, कभी ऊपर ले जाएंगे, कभी नीचे ले जाएंगे। क्यों मैं उस चक्रव्यूह में फंसूं? क्यों ना मैं अपना पूरा विश्वास उसमें डालूं जिसके हाथों में सबकी डोरी है और जिसके हाथ में सारा का सारा ब्रह्मांड है।